चालू करिए छे। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लुए सव साहूनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सव सिद्धे द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर् मिणमो सुद केवली भणिदम। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। यहाँ पे अभी ये अंतिम कलश, ये अधिकार का कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम दो कलश हम देखने वाले आज 98 और 99 नंबर का कलश। पूरे अधिकार में जो सबसे बड़ा दोष जिसके कारण से जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उस अज्ञानता से जिसके कारण से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी है, उसको नाश कराने का पूरा उपाय और विधि आचार्य देव ने हमें बताया, निर्भार कर दिया, कर्तृत्वपना छुड़ा दिया, कह दिया कि एक सत्ता दूसरी सत्ता का कुछ नहीं कर सकता है, सब न्यारे न्यारे है, श्रद्धा बदले तो सृष्टि बदल जाए, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले। यहाँ पे कहते ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसके विमल उपदेश में आहा, भगवान महावीर के उपदेश में क्या आया है कि सारे जीव कैसे है, स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, सब अपने से एकत्व है और पर से विरक्त है। क्या कहा, सारे आत्मा अपने से एकत्व है और पर से कैसे है, विरक्त है, माने पर थी भिन्न अन स्व थी अभिन्न छु। आत्मा ने अपने आत्मपने को कभी नहीं छोड़ा, जीव ने जीवपने को नहीं छोड़ा, चैतन्य ने चैतन्यपने को नहीं छोड़ा और वो कभी पुद्गल नहीं हुआ। जैसे कहते ना सोना और चांदी दोनों मिले हुए होते हो ना, तो भी कहते हैं सोना सोना है और चांदी चांदी है, सोना चांदी रूप नहीं हुआ और चांदी सोना नहीं रूप हुआ। अज्ञानता से हम कर्म बांधते हैं, किसके कारण से बांधते, अज्ञानता से, और ये कर्म अज्ञानता से बंधे कर्म उसका फल आता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले जो ब्रह्म था, किसका कौन सा ब्रह्म, कर्ता कर्म का ब्रह्म, कर्ता कर्म का प्रवृत्ति का नाश कराया, मैं कर्ता और पर मेरा कार्य, इसका नाश कराया है ना, इस बुद्धि का नाश कराया। कितना ब्रह्म है इस जीव को कि विकल्प करे और कोई सामने कार्य हो जाए ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे विकल्प अनुसार कार्य हुआ, परंतु ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, खरेखर विकल्प अनुसार कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि अगर विकल्प अनुसार कार्य होता तो हमेशा वैसा कार्य होना चाहिए, जैसे विकल्प करे वैसा कार्य होना चाहिए। का होता है, हमें नहीं चाहिए हमारे बाल सफेद हो, परंतु हो जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कि हमें रोग हो, परंतु शरीर में रोग हो जाता है, तो विकल्प अनुसार का कार्य हुआ। परंतु कभी कभी कोई विकल्प हो और सामने उस कार्य होने की ऐसी, उस पदार्थ की होने की ऐसी योग्यता हो, तो इस जीव को भ्रम हो जाता है कि मेरे विकल्प अनुसार कार्य हुआ। खरेखर विकल्प स्वतंत्र है और सामने वस्तु का परिणमन होना स्वतंत्र है। यहाँ पे क्या कहा, देखो अब अपन कलश आप आते हैं, जो लास्ट वाले जो दो कलश है 98 और 99। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम् कर्मापि तत्कर्तरी द्वंद्वं विप्रतिष्यदे यदि तदा का कर्तु कर्मस्तिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्ते व्यक्तेति वस्तुतिति
नेपथ्ये बटनान तीर्ति रभसा माहस्त मोहस्तथाप्येश किम। 99 उसके बाद आएगा। पहले अपन 98 नंबर के कलश का अपन श्लोकार्थ देखते हैं। कर्ता नकी कर्म मानथी, कर्ता नकी कर्म मानथी, अने कर्म छे ते पण नकी कर्ता मानथी, है ना। कर्ता नकी कर्म मानथी अने कर्म नकी कोना मानथी, तो कहते कर्ता मां नथी। शु कीधु अहीं? पहला आपणे आखो कलश वाची जोईए, पछी एनो आपणे भाव जोईए छे। फिर कहा ए बन्ने नो परस्पर निषेध करवामां आवे छे, तो कर्ता कर्म नी स्थिति शी, अर्थात जीव पुद्गल ने कर्ता कर्म पणू जो होई शके, न होई शके, जीव पुद्गल ने कर्ता कर्म पणू न होई शके। आ प्रमाणे ज्ञाता सदा ज्ञाता माज छे अने कर्म सदा कर्म माज छे, एवी वस्तुनी स्थिति प्रगट छे, तो पण अरे नेपथ्यमा आ मोह केम अत्यंत जोरथी नाची रह्यो छे, एम आचार्य खेद अने आश्चर्य पामे छे, थाय छे। शु कीधु अहीं? अभी जो पहले कहा ना के कर्ता नक्की कर्म मा नथी अने कर्म नक्की कर्ता मा नथी, तो यहाँ पे आत्मा कर्ता अने जड़ कर्म नी अवस्था एक कार्य, तो जड़ कर्म कर्ता अने विकार ना परिणमन नु कार्य एम होई शके नहीं। माने कर्ता पुद्गल की कार्य को नहीं करता, माने आत्मा कर्ता पुद्गल ना कार्य ने ना करे अने पुद्गल आत्मा नु कार्य ने ना करे, एम अहीं कहेवा मांगे छे। शुं कीधु अहीं? दोनों परस्पर में दोनों कैसे भिन्न भिन्न छे, अने कर्म ने लईने विकार न थाय अने आत्मा कर्म ने न करे, दोनों दोनों का एक दूसरे में क्या है, तो कहते अभाव है। जीव पुद्गल मा नथी अने पुद्गल जीव मा नथी। इधर क्या कहा? कर्ता नक्की कर्म मा नथी अने कर्म नक्की कर्ता मा नथी, एटले जीव पुद्गल मा नथी अने पुद्गल जीव में नहीं है। माने जीव कर्ता और पुद्गल उसका कार्य, ऐसे कर्ता कर्म नहीं है, माने कर्ता कर्म में नहीं और कर्म कर्ता में नहीं, माने पुद्गल जीव में नहीं और जीव पुद्गल में नहीं, क्योंकि ए जीव कर्ता और पुद्गल उसका कार्य बने ऐसा नहीं हो सकता, और पुद्गल कर्ता और जीव का कार्य करे ऐसा भी नहीं है। जीव कर्ता बने और इधर कारमन वर्णा कर्म रूप से परिणमित हो, ये कार्य जीव का कार्य नहीं है, और कर्म कर्म जीव को विकार कराए ये कार्य भी कर्म का नहीं है, है ना। तो क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में परस्पर में क्या है, एक दूसरे में अभाव है। दोनों में क्या है, तो कहते हैं अत्यंता अभाव। दोनों की जाति कैसी है? दोनों की जाति ही जुदी जुदी। पंडित टोडलमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा है कि कर्म से विकार नहीं होता, कर्म विकार नहीं कराते। क्यों? अगर कर्म विकार कराते तो कर्म में दो चीज चाहिए। कौन सी दो चीज? तो एक तो कहते हैं बलवानपना और दूसरा चेतनपना। बलवानपना और चेतनपना दोनों जरूरी है। बलवानपना हो और तो दोनों नहीं है। कर्म में बलवानपना भी नहीं है और कर्म में ज्ञान भी नहीं है। अपने आप को भूलकर हैरान होता है, भ्रमित होता है। जिन शासन ने कण कण की स्वतंत्रता बताई, निर्भर कर दिया, कर्म मेरे सत्ता में ही नहीं है, मेरी बाउंड्री में ही नहीं है, है? कोई भी उदय आता है, पुण्य पाप का उदय आता है, परंतु उसका तो मेरे द्रव्य में भी नहीं प्रवेश, नहीं गुण में भी प्रवेश नहीं और पर्याय में भी प्रवेश नहीं। मैं कोई किसी परिणाम का करता हो तो मैं मेरे परिणाम का करता हूं, परंतु कर्म का करता तो मैं हुई नहीं। यहाँ पे ये कहना चाहते है कि कर्ता नक्की कर्म मानती है, कर्म नक्की कर्ता मानती। एम जो बन्ने परस बन्ने नो परस्पर निषेध करवामा आवे छे, तो कर्ता कर्म नी स्थिति शी छे? अगर तमे एम कहो छो कि जीव पुद्गल का कार्य का करता नहीं और कर्म जीव का कार्य का करता नहीं, तो फिर कर्ता कर्म की स्थिति क्या है? कर्ता कर्म की स्थिति क्या है? ये पूरे अधिकार का सार, पूरे अधिकार का सार इन दो कलशों में कह दिया।
क्या कह दिया, पूरे अधिकार का सार इन दो कलशों में समझा दिया, बराबर ना, कि मैं ये हाथ को चलाऊ, मैं ये हाथ चलाता हूँ, मैं ये पैर चलाता हूँ, मैं ये शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ, है ना, ये पैसे मेरे कारण से आए, तो ये कहते ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ कहते हैं एक शरीर के परिणमन का कर्ता नहीं तो पुद्गल परिणमन का, परद्रव्य का कर्ता मैं बनूं, वो तो दूर की बात है। यहाँ पे कहा ना स्वतंत्रता समझाई कि पची तो कर्ता कर्म की स्थिति सूचे, किन में कर्ता कर्म की स्थिति बनेगी फिर, तो देखो क्या कहते हैं, अर्थात जीव पुद्गल ने कर्ता कर्म पणु न जो आ प्रमाणे ज्ञाता सदा ज्ञाताज छे अने कर्म सदा कर्म माज छे। શું કીધું, જ્ઞાતા સદા જ્ઞાતા જ છે અને કર્મ સદા કર્મમાં જ છે, માટે જીવ તો જ્ઞાતા જ છે, તે જ્ઞાતા જ છે, પુદ્ગલ કર્મનો કરતા નથી, અને પુદ્ગલ કર્મ છે તે પુદ્ગલ જ છે, જ્ઞાતાનું કર્મ નથી। આ દેખો એ ક્યાં કહા, જ્ઞાતા સદા જ્ઞાતા જ છે, આમ પ્રગટ ભિન્ન દ્રવ્યો છે તો પણ હું કરતા છું અને આ પુદ્ગલ મારું કર્મ છે એવું અજ્ઞાનીઓ આ મો અજ્ઞાન કેમ નાચે છે, હે ના, એ આપે ક્યાં કહા, અજ્ઞાનીઓ નો આ મો કેમ નાચે છે, સબસે પહેલે કહા ના, અભી દેખો ઇધર ક્યાં કહા, કે યહાં પે કહા ના કે જ્ઞાતા તો જ્ઞાતા જ છે, મને જ્ઞાતા તો જ્ઞાતા છે, મને ઇધર જીવ કી બાત હૈ, યહાં પે વો જ્ઞાની કી બાત નહીં, જ્ઞાની કી બાત નહીં, જ્ઞાતા તો જ્ઞાતા છે, એટલે આત્મા તો આત્મા જ છે, વો પુદ્ગલ દ્રવ્ય કા કરતા નહીં, જીવ તો જીવ જ છે એમ કહેવા માંગે છે, હે ને, इधर वो ज्ञानी की बात नहीं कह रहे, परंतु इधर कह रहे कि जीव तो जीव ज छे, अने कर्म तो कर्म ज छे, जीव कर्म को नहीं कुछ करता और 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 कर्म जीव कुछ नहीं करता, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ज्ञाता का कर्म पुद्गल नहीं और पुद्गल का कर्म ज्ञाता नहीं, माने आत्मा का कार्य कर्म का नहीं और कर्म का कार्य आत्मा नहीं। अब एक शक्ति है ना मेरे पास, अकार्य कारणत्व शक्ति, मैं किसी का कारण भी नहीं और मैं किसी का कार्य भी नहीं, मैं किसी का कारण नहीं और मैं किसी का कार्य नहीं, और हमें निरंतर कर्ता बुद्धि के कारण हम ये मिथ्यात्व का ख्याल आ रहा है कितना पोषण करते हैं, परंतु ये अभ्यास नहीं करेंगे, गे गायक की भिन्नता नहीं समझेंगे, स्वपर की भिन्नता नहीं समझेंगे, है ना, दो द्रव्य की भिन्नता स्वतंत्रता नहीं समझेंगे, तब तक हमें आत्मा का एक के अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी। दोनों अलग है ना, छिलका और छिलका और हम मूंगफली लाते हैं तो अंदर का दल, अंदर की वो अंदर का जो वो मूंगफली है और उसका ऊपर का जो छिलका है, तो दोनों अलग अलग है ना। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि कर्म और आत्मा दोनों कैसे है, भिन्न भिन्न है, भले अनादि का संबंध पाया जाता है, पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना दूसरे अधिकार में कि कर्म ने जीवनो संबंध एक क्षेत्र का संबंध अनादि काल का है, परंतु अनादि काल का होने के बावजूद भी बाद में दोनों जब सिद्ध दशा होती है तो सिद्ध दशा में कर्म और जीव अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं, तो भले संयोग संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध अनादि काल का है, परंतु उस समय भी कर्म और आत्मा कैसे है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि भिन्न भिन्न नहीं होते ना तो फिर वो अलग ही नहीं होते, शरीर और आत्मा, अभी शरीर के अंदर आत्मा है, परंतु शरीर के अंदर आत्मा होने के बावजूद भी भिन्न भिन्न है कि नहीं, है ना, ख्याल आ रहा है, इसलिए तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता, क्योंकि दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। यहाँ पे भिन्नता स्वतंत्रता समझाई, ध्येय नक्की करना पड़ेगा, हमारा जीवन ऐसा का ऐसा चला जाएगा ना, जब तक ध्येय नक्की नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, महिमा आएगी, रुचि आत्मा की होगी, एक ध्येय शुद्धात्मा बनेगा तो नियम से हमारा अभिप्राय दृष्टि बदले बिना रहेगा, दृष्टि बदलनी है, बाकी तो रागादि परिणाम अभी नहीं छूटेंगे, वो तो अस्थिरता जन्य राग है वो तो रहेगा, परंतु यहाँ पे अभी क्या छूटेगा, राग का राग टूटेगा कि मैं ये परिणाम का करता नहीं, मैं तो ये परिणाम का मात्र कौन हूं, मात्र जानने वाला हूं, है ना, कितना यहाँ पे सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा की, उस सम्यक ज्ञान में ताकत है, क्या ताकत है कि कर्ता बुद्धि को तोड़ने की ताकत सम्यक ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो कर्ता बुद्धि का पोषण करता है,
कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी अपन समझ ले, कितना भी हम ख्याल आ रहा ना, कितना भी पढ़ ले, परंतु परंतु जब तक कर्ता बुद्धि नहीं टूटेगी तब तक हमारे प्रयोजन की हमें निर्भरपना नहीं आएगा। इतना जबरदस्त कलश है ना यहाँ पे, क्या कह रहे है कि बधु भिन्न छे, है ना, जीव ज्ञाताज छे, ज्ञाताज छे, अने पुद्गल कर्म नो करता नथी, अने पुद्गल कर्म पुद्गल ज छे, ज्ञाता नु कर्म नथी, है ना, आचार आव वस्तु स्थिति छे। आचार्य खेद पूर्वक कयू छे के, अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, खेद पूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं, आम प्रगट बिन द्रव्यो छे तो पण हूँ करता छू, अने आ पुद्गल मारू कर्म छे, एवो अज्ञानी नो आ मोह केम नाचे छे। देखो क्या क्या वाक्य, कितना जबरदस्त लिखा कि नहीं वाक्य, क्या लिखा यहाँ पे, कहा के सुकेश आटलू समझावे छे कि बे द्रव्य की कितनी भिन्नता बताए, कि जीव जीव छे, पुद्गल पुद्गल छे, बे वो अलग अलग छे, है ना, तो पण यहाँ के छे प्रगट भिन्नता छे, तो पण हूँ करता अने पुद्गल मारू कर्म, मैं करता, मैं ये रोटी बनाने वाला, मैं बोलने वाला, मैं अच्छा बोलता हूँ, है ना, मैं अच्छा कार्य करता हूँ, बराबर, मैं अच्छा समझाता हूँ, है ना, ये भाषा वर्गना मेरी है, एक सूक्ष्म ज्ञान वाला मैं, तो यहाँ पे कह रहे है कि ये वाणी योग मन शरीर ये सब के सब नौ कर्म है, है ना, ये सब के सब नौ कर्म है, ये मेरे से कैसे है भिन्न है, माने प्रगट भिन्न द्रव्यो छे, आ बदा प्रगट भिन्न देखाई छे, हाल माज छुट्टा छे, हाल माज केवा छे, प्रगट भिन्न छे, मैं नौ कर्म रूपे नहीं हुआ हूँ और कर्म नौ कर्म मेरे रूप नहीं हुए, कैसे प्रवेश करे, अभेद किल्लो छे आत्मा, प्रवेश आत्मा मा आ बदा नो प्रवेश थयो ज न सके, क्या ख्याल है, प्रवेश हो ही नहीं सकता, अगर प्रवेश हो जाए ना तो आत्मा की सत्ता का नाश हो जाए, आत्मा ना सत्ता नो नाश थी जाए, अगर पर द्रव्य मारा मा प्रवेश थी जाए, अने हूँ पर द्रव्य वालो थी जाऊ तो बे द्रव्य नी भिन्नता स्वतंत्रता न रहे। कितना हमें समझा रहे है आचार्य देव कि तो भी ये कह रहे है कि अज्ञानी नो आ मोह केम नाचे, तो भी वो क्यों एकत्व पना करता है, वचना दिक लिखना दिक क्रिया, वर्णा दिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। क्या कहा मेघा भाभी, आप अभी आए ना, अभी कौन सा नंबर का कलश चल रहा है, 98 नंबर का कलश है ना, 98 नंबर के कलश में पहले कहा कि कर्म तो पुद्गल छे, तेनो कर्ता सु कीधु यहाँ ऊपर ऊपर, सॉरी आ भावार छे, श्लोकार करता नक्की कर्म मा नथी, अने कर्म छे ते नक्की करता मा नथी, करता वो कर्म में नथी, अने कर्म कोना मा नथी, करता मा नथी, माने क्या कि जीव पुद्गल का करता नहीं, माने जीव करता और पुद्गल उसका कार्य ऐसा नहीं, और पुद्गल करता और जीव उसका कार्य ऐसा नहीं, जीव पुद्गल कर्म को करे और पुद्गल कर्म जीव को रागादिक कराए ऐसा नहीं है, बराबर ना, फिर कहा ना बन्ने नो परस्पर निषेध करवामां आवे, कर्ता कर्म प्रवृत्ति दोनों के बीच में नहीं, तो फिर कर्ता कर्म की स्थिति क्या है, क्या बनेगी, तो फिर यहाँ पे कहा कि ज्ञाता तो सदा ज्ञाता ही है, ज्ञाता माने कौन, इधर ज्ञाता माने कौन, ज्ञाता माने आत्मा, मोनाली भाभी, ज्ञाता माने कौन, आत्मा, और आत्मा तो सदा आत्मा ही है, ज्ञाता तो ज्ञाताज छे, जोशनांती, और ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, अने कर्म सदा कर्म माज छे, आहा क्या कहा, माने ज्ञाता माने जीव, जीव कर्म में नहीं और कर्म जीव में नहीं, ज्ञाता ज्ञाताज रहे, कर्म कर्म ज रहे, एवी वस्तु नी स्थिति छे, आउ वस्तु छे, नेपथ्य मा आ मोह केम अत्यंत, अहिया कीधु ने केम अत्यंत जोर थी नाची रह्यो छे, आ केम मोह नाची रह्यो छे, बराबर ने, एम अहिया आचार्य खेद पूर्वक कही रहा छे, खेद पूर्वक कही रहा छे क्या केम मोह नाची रह्यो छे, इतना इतना कहने के बाद भी कोकिला आंटी क्या कहा यहाँ पे, आचार्य कह रहे कि किम मोह नाची रहे, पछी ती भावार्थ में कहा ना, भावार्थ में शू कीधु के कर्म तो पुद्गल छे, तेनो करता जीव कहेवामां आवे ते असत्य छे, ते बन्ने ने अत्यंत खेद छे, आ
બંનેના અત્યંત ખેદ ભેદ છે એટલે બંને ભિન્ન ભિન્ન છે. જીવ પુદ્ગલમાં નથી અને પુદ્ગલ જીવમાં નથી. દોનો કે બીચ મેં ક્યા હૈ દેવેન્દ્ર આંટી ક્યા હૈ તો કહેતે કે દોનો કે બીચ મેં ભેદ હૈ, વજ્ર કા કિલ્લા હૈ, દોનો કે બીચ મેં ભિન્નતા હૈ. યહાં પે કહા ના કે કભી દોનો એક હુએ હી નહીં. માટે અહીંયા કીધું માટે જીવ તો જ્ઞાતા જ છે તે જ્ઞાતા જ છે, જ્ઞાતા છે તે જ્ઞાતા જ છે. પુદ્ગલ કર્મનો કરતા નથી અને પુદ્ગલ કર્મ છે તે પુદ્ગલ જ છે, જ્ઞાતાનું કર્મ નથી. આ દોનો કી ભિન્નતા સમજે ના. પરંતુ હમ તો એ શરીર કી ઉત્પત્તિ મેં હમારી ઉત્પત્તિ માનતે હૈ, શરીર કે નાશ મેં હમારા નાશ માનતે હૈ, હૈ ના. સંયોગ મિલે તો મેં બડા, ઓર સંયોગ ન હો તો અપને આપકો કૈસા માનતે હૈ, હીન દીન માનતે હૈ ના. ये पूरा हमारा अस्तित्व किसके आधार से हमने मान लिया है? संयोग के आधार से. संयोग के अस्तित्व से हम अपना अस्तित्व मानते हैं ना. संयोग का वियोग हो तो हम आर्त्र ध्यान करते हैं, और अच्छे संयोग मिल जाए तो हम रौद्र ध्यान करते हैं. रौद्र ध्यान माने कषायों में आनंद मानना, और आर्त्र ध्यान माने दुखी होना, वियोग के काल में खूब खूब दुखी होना. आर्थ ध्यान के परिणाम के फल में जीव, आर्थ ध्यान के परिणाम के फल में जीव कहा जाता है नरक में जाता है, और रौद्र ध्यान के परिणाम के फल में जीव तिर्यंच में जाता है. एक एक परिणाम का फल आप देखो जिनवाणी में कितना बताया है, है ना. इन परिणामों का फल क्या होगा? बंशी का बोल है ना कि परिणामों का फल न मिले तो 14 ब्रह्मांड को क्या होना पड़े? शून्य होना पड़े. पूजा में आता ना किसका अभिमान करे हम, कौन से पदार्थ का अभिमान, कौन से सहयोग का अभिमान करे. हमारा ग्रुप बहुत बड़ा, हमारा सर्कल बड़ा, हमारे कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है. यहाँ पे कहते ना हमारे यहाँ ऐसी पदवी है, इतनी डिग्री है. यहाँ पे कहते किसका अभिमान करे, हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा याद रहता है. तो ये कहते किसका अभिमान करे, किसका अभिमान करे, सब नाशवान है. श्रीमद जी ने कहा ना, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष एतो जलना तरंग छे बजा बजा. अभिमान किया अब तक जड़ पर अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है यह सोच बना था मस्ताना. शत में विश्वास किया अब तक अक्षत को प्रभु वर ना जाना, अभिमान की आन मिटाने को अक्षय निधि तुमको पहचाना. कितना एक एक पूजा हम देखो, हमारी पूजा में कितना तत्व भरा है ना. बाबूजी ने सबने जो पूजा लिखी कितना तत्व भरा है उसमें. बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता. चक्रवर्ती फिर लिखा ना दो लाइन, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्ग लिए अर्पण के हेतु चलाया आया. ये कोई सच्चा नहीं है, ये सब स्वांग है, सब झूठे है, सब स्वार्थ के सगे है. संसार भोग और शरीर से बारंबार कहते हैं विरक्ति लाओ, कोई काम नहीं आएगा. अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं. ये राग का संबंध है, राग टूट जाए तो कोई किसी का नहीं. यहाँ पे कहते हैं ना हम इतना जबरदस्त हमें ये जिनवाणी मिली, ये हमें तत्व मिला, हमें इसका आदर नहीं आएगा तो हम कहाँ फेंके जाएंगे. हम देखते ना हमारे परिणामों की कितना हर समय बदलते हैं. उत्पाद वे होता है तो हम सहयोग की तो क्या आशा रखे. कितनी क्षणिकता है, क्षणभंगुरता है, है ना. कौन विचार करो कि अपने विचार करो, अपन कहते ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा,
कोई व्यक्ति जाता है ना तो कितने समय हम याद करते हैं उनको, चला जाता है कितना टाइम याद करेंगे, है ना। सब कहते ना ये कोई, ये सब संबंध कृत्रिम है, कृत्रिम है माने कोई अकृत्रिम नहीं, एक अकृत्रिम कोई पदार्थ है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना। इष्टोपदेश में दिया है, ये भी परमात्मा प्रकाश में कहा है कि कोई संबंध कृत्रिम अकृत्रिम नहीं, सब कृत्रिम है। इष्टोपदेश में वो पक्षियों का दृष्टांत दिया ना कि डाली पे आके सारे पक्षी बैठते हैं रात में, है ना, अलग अलग दिशा में से सब आ जाते हैं और फिर सुबह होता है ना, सुबह होती है तो सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। ऐसा ही मैं, हाँ, अपन सब अलग अलग जगह से आए, अलग अलग पर्याय से आए, है ना, और इधर आके हमने बस ये अपन वो तो रात भर रहे, है ना। हम कितने साल रहते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल साथ में रहते हैं, फिर जैसे प्रणाम करते हैं वैसे अलग अलग दिशा में जीव पहुंच जाता है। भगवान की वाणी, पहले तो अन्य मति के लोग हैं उनको तो ये वाणी नहीं मिली है, ये तो सब अभाग्य है, अभागी है कि वाणी नहीं मिली है, तत्व नहीं मिला, और हमें ये मिला परंतु हमें इसका आदर नहीं आता है, हमें लगता नहीं है कितनी कीमती ये चीज है। हमें अपना काम करने के लिए हमें ये तत्व ज्ञान मिला है, परंतु हम अपना काम नहीं करे, हम अपना पुरुषार्थ नहीं करे तो ये विकल्पों की जाल से हम कब छूटेंगे, इसका नाश करना है कैसे करेंगे। स्वभाव की महिमा, स्वभाव का आदर, स्वभाव को मुख्य करे बारंबार, सबको गौण कर दे, कोई दम नहीं, कोई 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 पदार्थों में, पर द्रव्य में कोई कोई सार नहीं है, उन पदार्थों में सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं, पुद्गल की तो क्या बात करे। यहाँ पे जो अन्य जीव द्रव्य है ना, उन जीव द्रव्य, या तो गुरुदेव बहुत बार कहते ना, देव जो सच्चे देव है, वितरागी देव है, अनंत परमात्मा है, उनमें भी मेरा ज्ञान और सुख नहीं, उनमें भी क्या नहीं, मेरा ज्ञान और सुख नहीं, इसलिए उन पर से भी दृष्टि हटानी है, देव पर से भी दृष्टि हटानी है, तो फिर हम परद्रव्य की सहयोग की तो क्या बात। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, श्यादवाद नय अनेकांत में समय सार समझाया है, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकता में समय गवाया है, शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। विकता में समय गवाया, विकता में क्या कर दिया मैंने, समय गमा लिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना, और शुद्धात्मा की क्या नहीं हुई, रुचि नहीं हुई, ना मन को उधर लगाया, उपयोग को वहां लगाया ही नहीं, उपयोग को लगाने की कोशिश ही नहीं की, और कहा उपयोग को हमने बर्बाद कर दिया, न्यूज़पेपर में, टीवी में, या वाह, है ना, इदी कथा चर्चा करने में, दुनिया भर की बातें करने में हमने अपना उपयोग को क्या कर दिया, बेड़फी नाखे बर्बाद कर दिया। ये उपयोग मिलना कितना कीमती है, उपयोग मिलना माने उपयोगवान तो सब है, परंतु ये तत्व निर्णय करना करने जितनी क्षयोपशम की क्षमता, क्षयोपशम की इतनी क्षमता, संगीपना मिलना ये कितना दुर्लभ है। एक से चार इंद्रिय वालों के पास तो मन ही नहीं है, निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। कौन जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकता है कि जो संगनी है, जो संगनी है, पंचेंद्रिय संगनी जीव है, और उसमें भी कितने अभवी है कि संगनी होने के बावजूद भी उनके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लायकत नहीं, योग्यता न थी। अपने पास तो दोनों है ना, संगनीपना भी है और भव्यपना भी है। ये मनुष्य भव हाथ में से चला जाएगा ना, कब कोई रोग घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कलश में क्या कहा, यहाँ पे कहा कि इतले ज्ञानी अज्ञानियों ना मोह केम नाचिश, आचार्य कहते केम केम अपने कर्तापणु करी रिया छे, क्यों पुद्गलों को अपना मानते हैं। पुद्गल थोड़ी ना कहता है कि तू मुझे अपना मान, ये जीव ही अपने स्वरूप को भूलकर क्या करता है, पुद्गल को अपना मानता है। अब देखो दूसरा कलश, इसके बाद का कलश है 99 नंबर का कलश, वो अपन करता कर्म भवति न यथा
कर्म कर्मा पीने व ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोपि ज्ञान ज्योतिर ज्वलितमचलम् व्यक्तमन्तस्तोचे भरतो तत्तं गंभीरमितत्। श्लोकार्थ, अथवा जो मोह नाचे छे तो भले नाचो, तथापि वस्तु स्वरूप तो जेवु छे तेवु ज छे। क्या कहा, देखो अब कहते हैं कितना जबरदस्त। अंतिम कलश में आचार्य ने क्या कहा, आचार्य ने कहा हो तो हो, मोह नाचना है तो भलो भले नाचे, है ना, भले नाचना हो तो नाचे, परंतु वस्तु स्वरूप तो जेवु छे तेवु ज छे। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा। कहते हैं ना, तुमाने आना भीमाने परमात्मा पना कम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। पर्याय में कितना भी मोह हो, कितना भी राग हो, कितने भी कषाय हो, कितने भी परिणाम उतार चढ़ाव हो जाए, परंतु वस्तु स्वरूप तो जेवु छे तेवु ज छे। माने ज्ञायक तो ज्ञायक ज छे, माने ज्ञायक में कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। मैं मानू के न मानू, वस्तु स्वरूप तो त्रिकाल। शक्कर को हम मीठा माने के न माने, बोलो शक्कर कितनी कड़वी हो गई, कितनी कड़वी हो गई, शक्कर हो गई कि नहीं कड़वी, हमने माना नहीं ना, तो हुई कि नहीं, नहीं हुई, क्योंकि शक्कर ने अपना स्वभाव कभी छोड़ा ही नहीं और कभी छोड़ती ही नहीं। शक्कर तीनों काल में शक्कर का स्वभाव तो मिठास में, बर्फ में से क्या निकलेगा, तो कहते बर्फ में से ठंडा पानी ही निकलेगा। ऐसे ज्ञायक ज्ञायक ही है और ज्ञायक में से निरंतर जानन 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 पना ही निकलेगा, है ना, क्योंकि ज्ञायक ने अपना कभी स्वभाव छोड़ा, स्वभाव उसे ही कहते हैं। स्वभाव कौन है, केवाय के जे बदलाई नहीं, अने विभाव एने केवाय के जे बदलाई जाए। विभाव किसको कहते हैं, जो जो छूटे उसका नाम विभाव, और जो कभी ना छूटे उसका नाम स्वभाव, है ना। छूटे सो मेरा नहीं और न छूटे, जो छूटे सो मेरा नहीं और मेरा सो छूटे नहीं, छूटे सो मेरा नहीं, ये विभाव तो छूट जाते हैं, है ना, परंतु स्वभाव कभी छूटता नहीं है। अब देखो श्लोकार्थ, अचल व्यक्त अने चित्त शक्तियों ना ज्ञान न अविभाग प्रतिच्छेदो न समूना भारती अत्यंत गंभीर आ ज्ञान ज्योति अंतरंग मा उग्रपणे एवी रीते जाज्वल्यमान थई छे के आत्मा अज्ञान मा करता हतो थतो हतो ते हवे करता थतो नथी। ज्ञानी अने अज्ञान ना निमित्ते पुद्गल कर्मरूप निमित्ते पुद्गल कर्मरूप थतु हतु ते कर्मरूप थतु नथी। वड़ी ज्ञान ज्ञान रूपज रहे छे अने पुद्गल पुद्गल रूपज रहे छे। आत्मा ज्ञानी थाय छे त्यारे ज्ञान तो ज्ञान रूपेज परिणमे छे, पुद्गल कर्मनो करता थतो नथी। देखो इधर जिसकी किसकी बात है, ज्ञानी की बात है। क्या बात की ज्ञानी की है? पहले तो अचल अभी स्वभाव का, पहले स्वभाव की बात की। स्वभाव कैसा है तो कहते पहले तीन विशेषण दिए। क्या दिए विशेषण? सबसे पहले कहा कि स्वभाव अचल छे। हाँ, पर स्वभाव कैसा है? अचल है ना, यहाँ पे कहा ना आत्मा चित शक्तियों समूह नो भार छे, मोटो ज्ञान नो ढगलो छे। आत्मा आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है ना, ज्ञान का ढगला है, बराबर। जेम या कीधु ना ज्ञान शक्ति नो भार कहता भंडार छे। आत्मा ऐसा ज्ञान शक्ति वाला है, अचल है, अचल। सबसे पहला विशेषण आत्मा के लिए का अचल। अचल माने आत्मा कभी चलायमान नहीं होता, चलायमान नहीं होना माने जीव कभी अजीव नहीं होता, है ना, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता। इसीलिए पहला विशेषण कह दिया कि स्वरूप अचल छे, आत्मा केवो छे अचल छे।
कभी चलाई मान, कभी क्या सुना था तो पूरा विश्व विश्व रूप विश्वन में बद्धा पदार्थों के बाद अचल जे केम, कारण के कोई द्रव्य ने अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा। परंतु इधर तो आत्मा की बात कर रहे कि आत्मा अचल छे, आत्मा केवो छे अचल छे, अचल छे એટલે કે એને એ પોતાના સ્વભાવને છોડ્યું નથી। પછી કીધું આત્મા કેવો છે તો કે વ્યક્ત છે, કેવો છે શુદ્ધ આત્મા પ્રગટ છે, બરાબર। પર્યાયની અપેક્ષાએ અવ્યક્ત કયો, પણ વસ્તુ અપેક્ષાએ તો સદા વ્યક્ત જ છે। દેવો ઇધર ક્યાં કહા, પર્યાય અપેક્ષાથી તો આત્મા અવ્યક્ત છે, અવ્યક્ત છે એટલે પર્યાય અપેક્ષાથી અવ્યક્ત એટલે હમણાં પર્યાયમાં કદાચ એને વ્યક્ત નથી ને, તો એ અપેક્ષાથી એને અવ્યક્ત કીધો। परंतु वस्तु आत्मा आत्मा रूपे तो हमेशा व्यक्त रहो छे ने, आत्मा आत्मा रूपे तो हमेशा प्रगट ज छे, सदाय विद्यमान छे, एटले आत्मा केवो छे व्यक्त छे, सदाय विद्यमान छे एटले व्यक्त छे, अचल छे एटले के जीव जीव रूपे रहे छे, जीव अजीव रूपे नथी थतो। अने बीजू की त्रीजू विशेषण कीधु के केवो छे चित्त शक्तिओनो समूह छे, एटले के ज्ञाननो भंडार छे, ज्ञाननो शू छे ज्ञाननो अविभाग प्रतिच्छेदोनो समूह छे। देखो केवल ज्ञान की पर्याय होती है ना, केवल ज्ञान की पर्याय, तो केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद, सबसे ज्यादा प्रतिच्छेद कौन सी पर्याय में है, केवल ज्ञान की पर्याय में है, सबसे ज्यादा प्रति अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान की पर्याय में है। परंतु इधर तो ज्ञान ना स्वभाव ना अहिया कीधु के अविभाग प्रतिच्छेदों ने वो समूह, अविभाग प्रतिच्छेद एटले शक्ति नो अंश, शक्ति नो अंश, केवल ज्ञान स्वभावी छू ने, मैं अभी केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, बराबर। शक्ति ज्ञान ना अभिभाग प्रतिच्छेद नो समूह ना भार की अत्यंत गंभीर ज्ञान ज्योति स्वरूप छू। मैं कैसा हूँ, मैं अत्यंत गंभीर ज्ञान ज्योति स्वरूप अंतरंग में उग्र पणे, अभी मैं ऐसा हूँ, अनंत शक्तियों नो भंडार, बराबर, अनंत शक्तियों नो समूह, खाली 47 शक्तियों नहीं परंतु 47 जीवी कितनी शक्तियों, कहे के संख्यात नहीं असंख्यात नहीं परंतु कितनी शक्तियों छे, अनंत शक्तियों छे, कितनी शक्ति है अनंत, इतने तो गुरुदेव आरामाने स्वभाव बेहद छे, बेहद छे इतने कि ए अमर्यादित छे, एमा कोई प्रकार नी मर्यादा नथी, कोई प्रकार नी शू नथी मर्यादा नथी। हवे यहाँ शू कहे छे, जो अंतरंग मा उग्रपणे एवी रीते जाज्वल्यमान थई के आ आत्मा अज्ञान ना કરતા થતો હતો, હવે તે કરતા થતો નથી। એટલે હવે શું થયું કે અંતરંગમાં ઉગ્રપણે એવી રીતે જ્વાજલ્યમાન અને થઈ, એટલે શું કે એ આવી પર્યાયમાં જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું, શું જ્ઞાન પ્રગટ થયું, આવા સ્વરૂપનો આશ્રય થી ક્યાં હુઆ, તો કે છે કે અંતરંગમાં આવું ઉગ્રપણે એવી રીતે જ્વાજલ્યમાન થઈ કે એવા આવું જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, હે ના, એવી અંતરંગમાં સમ્યક જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, બરાબર, કે એ પ્રગટ થતા શું થયું, એ પ્રગટ થતા આત્મા પહેલા એના પહેલા પ્રગટ નહોતી થઈ ને, ત્યારે તો એ આત્મા અજ્ઞાનના ભાવથી પરનો શું હતો, કરતા થતો હતો, પર કા કરતા બનતા થા, પરંતુ હવે કરતા થતો નથી। केम करता थतो नथी, कारण के अंतरंग मां आवी ज्ञान ज्योति प्रगट थई, सम्यक ज्ञान प्रगट थई गयुं आ, एटले हवे ए करता बनतो नथी, बराबर ने। हमणा सुधी परनो रागनो हने पोताने करता मानतो तो, परंतु पुद्गलनो बधानो करता मानतो तो, पण हवे ए शू के करतापणू मटी गयुं। अने हवे जो अज्ञानना निमित्ते पुद्गल कर्मरूप थतुं हतुं ने, एटले के जे કારમણ વર્ગના કર્મરૂપ થતું હતું અને અહીંયા આત્મા સાથે બંધાતું હતું, કર્મ કો નિમંત્રણ દેતા થા, એ જીવ આમંત્રણ દેતા થા, બરાબર ના, અજ્ઞાનના નિમિત્તે હવે એ કર્મરૂપે થતું નથી, અભી કો કર્મ કા બંધ ભી નહીં હો રહા હૈ, સાયકલ ખ્યાલ આયા, અજ્ઞાન થા ઇસલિયે કર્મ કા બંધ થા, પરંતુ જા અજ્ઞાન ટૂટા, કરતા કર્મ કી પ્રવૃત્તિ ટૂટી, તો કર્મ આને કા ભી ક્યા હો ગયા, બંધ હો ગયા, कौन से बड़े दो कर्म आने बंद हो गए, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का अभाव हो गया, बराबर ना, अब कर्म रूपे नहीं बंधाता, कर्म रूपे नहीं परिणमता। पछी शू कीधु यहाँ, तो के छे के वड़ी ज्ञान ज्ञान रूपे ज रहे छे, अने पुद्गल पुद्गल रूपे ज रहे छे,
जो यहाँ गुरुदेव का एक पैराग्राफ है मैं पढ़ती हूँ। अज्ञानमां पहला रागनो अने परनो करता मानतो हतो, ते हवे ज्या पोताना ज्ञान स्वरूप थयो त्या करता थतो नथी। वड़ी रागना निमित्ते जे पुद्गल कर्म रूपे थतु हतु ते हवे अज्ञान मटता पुद्गल कर्म रूप थतु नथी। अहीं पोते रागनो करता थतो नथी अने त्या पुद्गल कर्म रूप थतु नथी। वड़ी ज्ञान ज्ञान रूप ज रहे छे, ज्ञान ज्ञान रूप ज रहे छे अने पुद्गल पुद्गल रूप ज रहे छे, खरा पुद्गल पुद्गल रूप ज रहे छे। एवी अहीं एवी भगवान चित घन, एवो भगवान शु चिद घन ज रहे छे। बे जुदा जाण्या तेनू नाम ज भेद ज्ञान छे अने तेनू फल केवल ज्ञान अने सिद्ध दशा छे। इधर जो कहा ना अंतिम में कि ज्ञान ज्ञान रूप ज रहे छे, पुद्गल पुद्गल रूप ज रहे छे, इधर ये बता रहा है कि ऐसा सम्यक ज्ञान में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया कि पुद्गल कर्म जुदा छे, पुद्गल कर्म जुदू छे, अलग है और ज्ञान अलग है। ऐसा भेद ज्ञान कौन से ज्ञान में हुआ? सम्यक ज्ञान में हुआ। और उसी सम्यक ज्ञान का फल क्या है? उस सम्यक ज्ञान का फल क्या है? तो कि उस सम्यक ज्ञान का फल केवल ज्ञान है। माने सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान वो केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञान का क्या है? अंश है। कहते ना नाना मति शुद्ध ज्ञान एलहे केवल ज्ञान ए तो केवी अजब गजब नी बात छे। सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा बताई है कि ए सम्यक ज्ञान नियम थी केवल ज्ञान ने प्राप्त कर सके। जेने बीज उगे तो नियम थी पूनम थाई थाई ने थाय, एवी रीते यहाँ कहे छे कि सम्यक ज्ञान थाय तो नियम थी ए जीव ने केवल ज्ञान थाई थाई ने थाय। हाना पूर्णतानी पूर्णताना शुरुआत ए पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत एज साची शुरुआत छे। भव आताप मितावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने मैंने अब तक कहने पर की झूठी ममता है। भव आताप मिटाने की निज में ही क्षमता है ना, भव आताप मिटाने की किसमें क्षमता है? ऐसी क्षमता मेरे में है और ऐसी क्षमता माने सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही सम केवल ज्ञान हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि केवल ज्ञान होते ही यहाँ पे सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान का फल केवल ज्ञान है ऐसा यहाँ पे कहा। अब देखो भावार्थ में हमने पढ़ा है ना, इसमें लास्ट में कहा आम यथार्थ ज्ञान थाय थे बन्ने द्रव्य ना परिणाम ने निमित्त नैमित्तिक भाव थतो नथी। बन्ने परिणाम ने बन्ने द्रव्य ना परिणाम ने निमित्त नैमित्तिक भाव थतो नथी, आवु ज्ञान सम्यक दृष्टि ने होय छे। एटले सम्यक दृष्टि अपन ने बीच में गाथा देखी थी ना के सम्यक दृष्टि ने नो सम्यक दृष्टि कर्म बनता है ना, तो उसके बीच में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो ज्ञायक पे है। किस पे है? ज्ञायक पे है। माने वो कर्म का निमित्त भी नहीं बनता है, कर्म बांधने में निमित्त भी नहीं बनता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी दृष्टि किस पे है? सब स्वभाव पे है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे। यहाँ पे ये हमने पूरा किया। यहाँ पे लास्ट में ये देखो टीका और ये भावार्थ क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। आ प्रमाणे जीव अने अजीव कर्ता कर्म नो वेश छोड़ी बाहर निकली जाई छे। अब ये निकल जाते हैं, ये स्वांग रूप से आए थे है ना। अभी ये पूरा अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना कि नाट्य के रूप में लिखा है समय साथ, तो एक एक तत्व स्वांग धारण करके आते हैं। अब ये मन रंगमंच पे से क्या हो गया, ये कर्ता कर्म का स्वांग उतर गया। अब इसके बाद पुण्य पाप स्वांग धारण करके आएंगे है ना। तो ये भावार्थ में लिखते हैं जीवन अजीव बनने कर्ता कर्म नो वेश धारण करी एक थई ने रंग भूमि रंगमंच पर दाखल थया हता। सम्यक दृष्टि नु ज्ञान के जे यथार्थ देखनारू छे तेने जारे तेमना जुदा जुदा लक्षण थी एम जानी लीधु के तेवो एक नथी पण बे छे, त्यारे तेवो वेश दूर करी रंग भूमि माथी बहार निकली जाय छे। क्यारे निकले छे? के जारे ज्ञानी थाय
त्यारे ए ए बन्ने जना एटले के ए ए सम्यक दृष्टि जीव रंगभूमि परथी निकली जाय छे। बहुरूपी नु एवु प्रवर्तन होय छे के देखनार ज्या सुधी ओळखे नहीं त्या सुधी चेष्टा कर्या करे छे, परंतु जारे यथार्थ ओळखी ले त्यारे जारे यथार्थ ओळखी ले ने त्यारे शू थाय छे, जारे यथार्थ ओळखी ले त्यारे निज रूप प्रगट करी चेष्टा करी चेष्टा करवी छोड़ी दे छे। तेवी रीते अहीं पण जाणवू बराबर ऐसे यहाँ पे समझना चाहिए है ना। ऐसा यहाँ पे ये समझाया पूरा कर्ता कर्म अधिकार। आज हमारा ये अंतिम ये कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर का स्वाध्याय था वो पूरा हुआ है ना। यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे हमें ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि प्रकट कराने की विधि और यहाँ पे हमें खूब प्रेरणा दी आचार्य ने कि जब तक हम ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं तोड़ेंगे और स्वभाव का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अनंत काल का जो संसार है, जन्म मरण है, पंच परावर्तन है ना, इधर से उधर चार गति में जीव दौड़म दौड़ करता है, उसका अभाव नहीं हो पाएगा। तो एक ही उपाय है इसका अभाव करने का कि हम अपने ज्ञाता स्वभाव की ऊंची करें, हम गायक को ऊर्ध्व रखें, गायक की खूब महिमा करें है ना, और ऐसी महिमा आए कि हमें अनुभूति का कार्य हो जाए और अनंत काल का मिथ्यात्व का क्या हो जाए, अभाव हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम पूरा करते हैं ना।